गाजीपुर बॉर्डर पर दंगल का आयोजन आज किसान आंदोलन मंच करेगा। दंगल संयुक्त किसान मंच का सम्मान कार्यक्रम 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कार्यक्रम राकेश टिकैत के मार्गदर्शन में होगा। कार्यक्रम देश के पहलवानों को कुश्ती के लिए निमंत्रित किया। किसानों का कहना है कि 46 दिन से कर रहे हैं आंदोलन, कभी ट्रैक्टर रैली और कुश्ती की प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिससे किसानों का मनोरंजन बना रहे, तनाव कम हो, जिससे किसानों के मन में आत्महत्या जैसी सोच न आए। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को लगातार करवाया जाएगा और 15 जनवरी की 10वीं वार्ता पर नजर बनी हुई है कि सरकार और किसानों के बीच कृषि बिल पर सहमति बन सके। किसान आंदोलन का आज 46 दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के बॉर्डर पर। आइए, यहाँ किसान भाई अपने साथ बैठे हुए हैं, आज उनके मन की बात जानते हैं हम लोग। देखिए, हमारे मन की बात तो ये है कि ये 3 अध्यादेश हैं, ये वापस हों, उसके बाद नेताओं को बैठावें, MSP की गारंटी करें, अध्यादेश लाएं और इसे निपटाएं। आज देखिए, हम न्यूनतम मूल्य के लिए लड़ रहे हैं, अधिकतम मूल्य थोड़ी लड़ रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आज लड़ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगना पड़ रहा है और उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही। और अपने मन की बात बताते हैं प्रधानमंत्री, अब जनता के जन की जो मन की बात क्यों नहीं समझ रहे वो? भाई, जनता ये चाह रही बिल वापस हो तो कर लें। अब रोज़ तारीख, आज 15, आज 10, 12, कितनी तारीखें पड़ गई, कोई तारीखों काम थोड़ी है भाई। किसान यही तो कह रहे, अध्यादेश वापस करो और हमारा जो है ऐसा MSP की गारंटी दो। तो इसके लिए इन्होंने बताओ इतना लंबा टाइम लगा दिया, लेकिन अब किसान भी मन बना चुका है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, चाहे कितना ही समय लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी, वापस जाने वाला नहीं है। ये जनसंख्या दम पर दम बढ़ती रहेगी, घर जो काम कर रहे हैं ना किसान खेत में, उसकी भी एक नज़र आंदोलन पे है कि भाई कब ज़रूरत पड़ जाए। अगर कोई भी बात होती है तो वो किसान भी घरों से निकल के सीधा अपनी सड़कों पे आएगा और यहाँ दिल्ली को रुख करेगा। तो सरकार साफ सोच ले, 26 तारीख लगा रखी है हमारे नेताओं ने कि 26 तारीख में तिरंगा लेकर दिल्ली जाएंगे, तो जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है क्या साहब, इसमें नहीं जाने का कोई वो है? अगर घोषणा जो हो गई उसमें, चाहे परिणाम कुछ भी हो, परिणाम की कोई चिंता नहीं है किसान को, लेकिन अपना हक लेकर रहेगा किसान। आज दंगल का प्रोग्राम भी रखा गया है, किस तरह से उसकी तैयारी की गई है? देखिए, ऐसा है, दंगल में जो पहलवान है वो भी तो किसानों के बालक हैं, उनके समर्थन में वो भी है दंगल कर रहे हैं। भाई, एक बात आओ, सब चीज़ गांव से और किसान से है, उन्हीं के बालक पहलवानी कर रहे हैं, तो उन्होंने समर्थन में आज दंगल कराया है, दंगल होगा 1 बजे से 12 बजे से। सर, 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी क्या तैयारी की गई है? ये हमारा राष्ट्रीय आह्वान है कि ये दिल्ली किसानों की है, दिल्ली किसानों की है, और देश के प्रधानमंत्री को बुद्धि सद्बुद्धि के लिए तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहाँ यज्ञ के, हवन के भी आयोजन हुए हैं, आपके द्वारा ये बात गई भी है सरकार तक, जन तक। तो हम ये कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने आज तक अपने मन की बात कही है, अब हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का किसान दिल्ली में है, जन की बात सुनने के बाद ये 9 वर्ष पर इस 3 काले कानूनों को वापस करके एक सराहनीय काम करने का काम करें देश के प्रधानमंत्री। दूसरी बात ये है कि ये एक गंगा पर्व, राष्ट्रीय पर्व बन चुका है, इसमें गांव की भागीदारी है, किसान की भागीदारी है, वो 26 जनवरी को कूच करेगा पूरा हिंदुस्तान का किसान, और तमाम किसानों का समर्थन मिल चुका है। अब सरकार रोक नहीं पाएगी इस आंदोलन को, सरकार को बुद्धि सद्बुद्धि के साथ हम ये कामना करना चाहते हैं कि सरकार तीनों किसान विरोधी ये बिल वापस लेने का काम करे। सरकार ने चुनाव में घोषणा पत्र में कहा था डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे किसान हित में, आज तक नहीं किया। सरकार ने वादा किया था किसानों की फसलों का 1.5 गुना देंगे, आज तक पर्चियों पर रेट नहीं पड़ा है। सरकार ने कहा था हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कहाँ है? पर्ची मिलती है, भुगतान खाते में नहीं जाता। अगर 1 एकड़ गन्ना किसान है कोई, तो उसका 15,000 रुपये चीनी मिलों पर बकाया है। सरकार उद्योग के, पूंजीपति के दबाव में काम कर रही है, और किसान की बात करती तो किसान सड़क पर नहीं होता। आज़ादी मिली लेकिन वही अंग्रेजी ज़माने की। अगर हम आज़ाद हुए होते तो कृषि कानून बना होता, कृषि कानून 1967 को आधार को बना होता, तो आज जिंसों के लिए, अपने भाव के लिए ये किसान सड़क पर नहीं होता। किसान की जो आत्मा है वो खेत पर पड़ी है आज भी, लेकिन अब परमात्मा मालिक के नीचे धरती है, तो ये लाखों वाहन और करोड़ों किसान जो पूरे दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, अब जब तक ये वापस नहीं जाएंगे, इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम इस पर बता देना चाहते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है, केवल कृषि कानून वापस होने के बाद ही किसान घर जाएगा। किसी ने कहा है, खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। देश के प्रधानमंत्री की नीयत में खोट है, नीयत साफ हो तो 9 वर्ष पे ये 3 कृषि कानून वापस करके किसान हित में, देश हित में काम करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय।
सर, ये 9वें दौर पे अभी वार्तालाप हुई थी, तो सरकार का क्या फैसला सरकार ने दिया? देखिए, मैं जबर सिंह यादव संभल से जिला उपाध्यक्ष हूँ। 9वें दौर की, 8वें दौर की, कई दौर की वार्ता होली, वार्ता तो केवल इस आंदोलन को विफल करने के लिए हो रही है। वार्ता क्या है? जब हम किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, तो उसके लिए वार्ता की गुंजाइश ही नहीं रही। जब कहते हैं संशोधन, अरे तुमने गलती की है तभी तो संशोधन करने को तुम एग्री हो रहे हो भाई। गलती नहीं करते, संशोधन करने क्यों राजी होते तुम? हमारे अगर किस जिस समय बिल पास किया था, उस समय हमारे नेताओं को, किसान संगठनों को बुलाया होता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्योंकि आज मतलब 45-46 दिन हो चुके हैं और सड़कों पर किसान पड़ा हुआ है, इसकी नौबत क्यों आती? तो ये सरकार को देखना चाहिए, सरकार को ही करना है। ये तीनों कृषि कानून बिल वापस करने चाहिए और MSP पर गारंटी कानून बनाना चाहिए, तभी किसान यहाँ से जाएगा। इस सर्दी में, ठंड में, अपने घरों में सभी लोग रहते हैं, किसान 46 दिन से यहाँ पर रोड पर पड़ा हुआ है। किस तरह नीचे से भी सर्दी, ऊपर से भी सर्दी है, लेकिन किसान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आके ये नहीं देख रहा है कि मतलब किसान किस हालत में है, किसान की समस्या क्या है, किसान किस परिस्थिति में यहाँ पर पड़ा हुआ है। घरों में अपना काम करे या फिर यहाँ पर पड़े। अगर ट्रेन चल रही होती तो ये दिल्ली को चारों तरफ से इस तरह घेर दिया जाता कि सरकार को मजबूरन कृषि कानून बिल वापस तो लेना ही पड़ेगा हर हालत में। किसान को कुछ भी हो जाए, किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। और दिन ब दिन संख्या किसानों की बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं, इसमें किसान बर्बाद हो जाएगा। देखिए, इस कृषि कानून बिल में इन सरकार ने बनाया है कि 2 भैंस से ज़्यादा अगर आप 3 पालेंगे तो आपको कॉमर्शियल मीटर लगवाना पड़ेगा। 1 लीटर दूध से ज़्यादा अगर आप बेचेंगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बताइए, किसान का जरिया क्या होता है? दुग्ध पालन, खेती करना, पशु पालना, उसी से अपना गुजारा करता है। अगर 1 लीटर दूध बेचने के बावजूद उसको अगर लाइसेंस लेना पड़ेगा तो वो क्या करेगा? तभी कुछ नहीं करता, मर गया नहीं मर गया। इसके लिए किसानों के ये इतने गंदे कानून हैं जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब हमारा गन्ना है, हमारा गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आता है, जहाँ पर 1 मील का कांटा लग गया, दूसरे मील का कांटा वहाँ नहीं लगेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। अब गन्ना हमारा 14 महीने में तो गन्ना लेता है मिल, उसके बाद 1 साल के बाद भी मतलब पेमेंट नहीं देता। अब ये मोदी जी ने 2000 रुपये का वायदा किया था कि हम डालेंगे 2000, हमें 2000 क्यों डालना है? एक उत्तर प्रदेश का ही 800 करोड़ रुपया बकाया है, अगर वही पे पेमेंट कर दिया जाता जिससे उनका जो बकाया था वो भुगतान हो जाता। इसके बावजूद क्या है, ये लोग मतलब गुमराह करते हैं कि हम इतना पैसा डालना है। पहली किस्त में इन्होंने डाला था 80%, दूसरी किस्त में डाला 60%, तीसरी किस्त में डाला 35%, अब की बार में जो इन्होंने डाला है वो केवल मतलब 27% लोगों के में पैसा गया है। ये ले केवल किसान को गुमराह कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना। ये तो केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसान हित में नहीं सोचती कभी। अगर किसान हित में सोचती तो 46 दिन से किसान सड़कों पर नहीं होता। दिल्ली के चारों तरफ किसान पड़ा हुआ है और कोई इस चीज़ को देखता ही नहीं, बस तारीख पर तारीख दे देते हैं। 8 तारीख दे दी, अब 15 तारीख दे दी। अरे तारीख से क्या होता है? अरे तुमको अगर खुले मन से करना है तो कह दीजिए तीनों कृषि कानून बिल रद्द किए जाते हैं और MSP गारंटी बना दी जाती है, तो हम लोगों को किसान समझ जाएगा। 15 तारीख को भी कोई रिजल्ट नहीं आता तो उसके बाद भी क्या करेंगे आप? अरे हम लोग तो किसान पढ़ाई हुआ है यहाँ पर, 26 तारीख के लिए मतलब हम लोग गणतंत्र दिवस में अपने ट्रैक्टर लेके जाएंगे। हमारे नेता लोगों ने सबने ये तैयारी कर रखी है। ये थे हमारे साथ यूपी बॉर्डर से किसान भाई। बने रहिए गाजियाबाद से श्याम राजपूत के साथ, टुडे न्यूज़ 24।